हम सब जानते हैं कि 5 सितंबर जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी टीचर्स को स्टूडेंट्स लोग इतना सम्मान देते हैं क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन जी की नज़रों में समाज में सबसे ऊंचा स्थान जो था वो टीचर्स का है। वो मानते थे कि समाज में टीचर्स सबसे ऊंचे स्थान पर हैं और ये सच भी है क्योंकि एक टीचर ही ऐसा व्यक्तित्व होता है। पेरेंट्स और टीचर्स दो लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने स्टूडेंट्स का, अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे टीचर्स बहुत आगे निकलें, बहुत बड़े बने और समाज में बहुत बड़े बनकर बहुत अच्छी जगह पर जाकर समाज में सेवा करें। तो पेरेंट्स का भी यही सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होकर कुछ बने और उनके कंधों का भार जो है वो संभालें। तो दो लोग जो हैं वो जितने हितैषी बच्चों के होते हैं, पेरेंट्स और टीचर्स, उससे ज़्यादा कोई नहीं होता है। तो मुझे ये बोलते हुए थोड़ा ये फील हो रहा है कि इस दिन को टीचर्स डे मनाने में जो उनका योगदान रहा है वो सचमुच ही सराहनीय है और हम जितनी इसकी प्रशंसा करें वो कम है। तो मेरी तरफ से जो सभी अध्यापकगण हैं, टीचर्स हैं और जो जितने भी गुरु लोग हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, चाहे वो स्कूल्स में हों, चाहे वो कॉलेजेस में हों, यूनिवर्सिटीज़ में हों, अकाडमीज में हों, कहीं भी हों, वो कभी भी बच्चे की बुराई नहीं चाहते, ना उसका बुरा चाहते हैं, हमेशा उसके अच्छे के लिए काम करते हैं और उसको अच्छी ही गाइडलाइन देते हैं। तो मेरा उन सभी गुरुओं को शत-शत प्रणाम जो कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और देश में ऐसी जनरेशन ला रहे हैं जो आगे चलकर हमारे देश को संभालने वाली है। तो मैं चाहती हूं कि टीचर्स अपना फ़र्ज कभी ना भूलें और अपने फ़र्ज को निभाते हुए अपने हर कार्य को अंजाम दें और बच्चों को जितना हो सके उतना उनकी जो है वो लाइन बनाने में और उनको सही दिशा देने में अपना योगदान दें। थैंक यू। हैव हैप्पी टीचर्स डे।